Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sharma. 7th question dekhiye. Find the 31st term whose 11th term is 38, 16th term is 73. 31st term मालूम करना है. हम कोई भी टर्म मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको ए और डी मालूम होना जरूरी है, इसलिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम गिवन ले लेंगे. क्या दिया, 11th टर्म इज 38. 11th टर्म मतलब ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 38. इसको दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन. उसी तरह 16th टर्म दे दिया, ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 73. इसको दे देंगे हम सेकेंड इक्वेशन. अब यहां पर हम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38. सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73. साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस करेंगे 5d हो जाएगा. इन दोनों को आप माइनस कीजिए, 73 में से अगर निकालेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा. डी इज इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 5, 5 1 5 7 डी इज इक्वल टू बच जाएगा 7. इसको सब्सटीट्यूटिंग इन वन में करीजिए, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन वन. फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38. ए प्लस 10 डी की वैल्यू 7 आई, इज इक्वल टू 38. ए प्लस 7 10 70 इज इक्वल टू 38. ए इज इक्वल टू 38 इस तरफ ला लीजिए, माइनस 70. ए इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 32. तो हमको दो वैल्यूज मालूम हो गए, ए इज इक्वल टू माइनस 32, बी इज इक्वल टू 7. मालूम क्या करना है हमको, 31st टर्म फाइंड आउट करना है. थर्टी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस 30d हो जाएगा. ए प्लस 30d सब्स्टिट्यूट कीजिए आप. ए की वैल्यू अभी हमको आ गई माइनस 32, प्लस 30 डी की वैल्यू है 7. ये माइनस 32 प्लस 37 210, इन दोनों को माइनस कीजिए आप, क्या हो जाएगा आंसर, 178 आ जाएगा. तो इसलिए देयर फोर ए 31 इज इक्वल टू 178 लिख सकते हैं. अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे.